ये हाय गाइस, मेरा नाम मनोज कुमार है। आज हम लोग पढ़ने वाले प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, पार्ट नंबर 5 है। अगर आप प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप प्रीवियस पार्ट देख लीजिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ठीक है। उसमें बताओ टाइप ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। चलिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल मैं फिर भी बता दिया हूँ एक बार, फिर भी वापस बता देता हूँ एक बार। इक्विलेटरल ट्रायंगल देखिए, जिसके तीन साइड और तीन एंगल इक्वल होते हैं। देखिए, ए बी डबल किया हूँ, मतलब दोनों सेम है, ठीक है, सिंबल यूज़ किया हूँ डबल सब जगह, मतलब जितना ए बी है उतना बी सी है, उतना ए सी है, ठीक है। तीनों साइड सेम है, तीनों एंगल सेम है। देखिए 60 60 60, क्योंकि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180, तो 180 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 60 आएगा, ठीक है। तो ईच एंगल 60 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देख सकते हैं ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, ठीक है, तीनों सेम है, जितना ए बी है उतना बी सी है, उतना ए सी है, ठीक है। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू 60 डिग्री है, ठीक है। एंगल ए का भी 60 है, बी का भी 60 है, सी का भी 60 है, ठीक है। चलिए, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फार्मूला क्या है, एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। चलिए, डायग्राम थोड़ा सा मैं यहाँ पे अलग बनाया हूँ। देखिए, यहाँ पे सब जगह ए ले लिया हूँ, क्यों, जितना बी सी है उतना ए सी है, ठीक है, जितना ए बी है उतना बी सी है, उतना ए सी है। तो ए की जगह बी लिख सकते हो, बी की जगह सी लिख सकते हो, ठीक है। तो सबकी जगह मैंने ए लिख दिया, ठीक है, बी की जगह आप ए लिख सकते हो, सी की जगह भी ए लिख सकते हो। इसके लिए मैंने ए की जगह, देखिए यहाँ पे ए की ए बी ए है, बी सी बी है, तो बी की जगह मैं ए लिखूँगा, और ए सी बी ए सी है, तो इसकी जगह मैं ए लिखूँगा, ठीक है, क्योंकि तीनों सेम है तो ए ले लिया मैंने, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस क्या होगा, ए होगा, बेस यही है, ठीक है, ए होगा। इंटू हाइट क्या होगा, रूट 3/2 इंटू ए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको हाइट निकालना सीखना होगा, ठीक है। तो इसके पहले आप, इससे पहले आपको बताना चाहूँगा हाइट कैसे निकालते हैं। देख सकते हो आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट कैसे निकालते हैं। चलिए, मैं यहाँ पे अलग बता दिया हूँ हाइट कैसे निकालने का। देखिए, हाइट कैसे निकालेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड ए है, ए है, ए है, ए है, ठीक है। तो हाइट निकालने के लिए सबसे पहले आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, बी सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ए डी, यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो यहाँ पर नाम डाल दिया डी, ठीक है। अब ए बी ए है, बी सी ए है, ए सी ए है, ठीक है, इसको मैंने हाइट लिया एच, एच मतलब हाइट, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को डी सी का डिस्टेंस कितना होगा, देखिए बी सी का डिस्टेंस कितना ए है, तो डी सी का कितना होगा, ए बाय 2 होगा, ठीक है, उसका हाफ होता है। अगर बी सी 20 है, बी सी कितना है 20, तो डी सी कितना होगा 10 होगा, क्योंकि उसका हाफ होगा, तो ए बाय 2 ए है, तो ए बाय 2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करना, ठीक है। अगर बी सी 20 है तो उसका हाफ क्या होगा, 20 डिवाइड बाय 2 10 हो जाएगा, तो डी सी कितना होगा 10 हो जाएगा। ऐसे मैंने ए ए तो ए बाय 2 हो जाएगा, ठीक है, तो डी सी क्या होगा, ए बाय 2। अभी इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए ट्रायंगल ए डी सी में, किस में, ट्रायंगल ए डी सी में, डी कितना 90, तो 90 के सामने वाला अपोजिट को हमेशा हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, फर्स्ट साइड का स्क्वायर प्लस सेकंड साइड का स्क्वायर। देखिए फार्मूला यहाँ पे लिख के रख दिया, इसके पहले भी वीडियो में बता दिया हूँ पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला कैसे बनाने का। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू फर्स्ट साइड का स्क्वायर प्लस सेकंड साइड का स्क्वायर, यहाँ पे कोई कोई लिखता है बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ठीक है, बेस मतलब डी सी हो जाएगा और हाइट क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। तो मैंने फर्स्ट साइड सेकंड साइड भी लिखा, ठीक। चलिए, आप ऐसे भी लिख सकते, हाइपोटेन्यूज क्या है, यहाँ पे देखिए हाइपोटेन्यूज ए सी है, ए सी का वैल्यू ए है, स्मॉल ए, तो स्मॉल ए का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर, इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन। फर्स्ट साइड क्या ले रहे हो आप, समझ लो मैं ए डी ले रहा हूँ, कि ए डी, ए डी क्या है एच, तो एच का स्क्वायर प्लस, बीच में प्लस और प्लस डालेंगे। सेकंड साइड क्या बच्चा, ए अपॉन 2, तो ए अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एक ए का स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर का एच स्क्वायर प्लस, प्लस दे प्लस डालेंगे, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, तो ए स्क्वायर अपॉन 4 आ गया। अब यहाँ पे बेस सेम नहीं है, इसके नीचे 1 ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना दिया, जाके देख सकते हैं आप, जब भी बेस सेम नहीं रहेगा तो क्या करने का, 4 × 1 = 4, तो ये काम करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे मत करिए, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल अलग है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे ए है, ठीक है, वेरिएबल, जब सेम वेरिएबल तभी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एच को एच लिखिए, इसको इसको इस साइड भेज दीजिए, ए स्क्वायर अपॉन 4, इसको लाइक टर्म को एक साइड रखिए, ठीक है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो उसको इस साइड भेजेंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, एच स्क्वायर इधर ही है, क्यों एच स्क्वायर है, क्योंकि आपको यही निकालना, हाइट निकालना है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी यहाँ पे नहीं करना आपको, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे वेरिएबल सेम है ना, तो 4 यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1, 4 × 1 = 4
ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन फोर वन ज़ा फोर, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हमेशा इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसके साथ, फोर वन ज़ा फोर, ठीक है, इक्वल्स टू एच स्क्वायर। फोर ए स्क्वायर में से वन ए स्क्वायर गया तो क्या कितना बचेगा, थ्री ए स्क्वायर अपॉन फोर, फोर अपॉन फोर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। अभी एच स्क्वायर नहीं निकालना, आपको हाइट निकालना है, सिंपली हाइट एच निकालना है। तो देखिए रूट रूट में जाएगा, रूट थ्री में जाएगा, ए स्क्वायर का ए जाएगा क्योंकि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करियो, और स्क्वायर रूट ऑफ फोर कितना होता है, टू होता है, ठीक है। तो आपको और आप ऐसे भी लिख सकते हो एच इक्वल्स टू रूट थ्री अपॉन टू ए, ठीक है। हाइट कैसे निकालना आपको पता चल गया रहेगा, तो यहाँ पे देखिए हाइट आप निकाल सकते हो रूट थ्री अपॉन टू इंटू ए, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपने निकाल लिया था हाइट, आपको ये हमेशा याद रखना हाइट रूट थ्री अपॉन टू इंटू ए। इन केस आपको नहीं याद है तो आप फटाफट इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको मिल जाएगा हाइट, ठीक है, हाइट ए है। तो देखिए वन इंटू रूट थ्री, रूट थ्री ए इंटू ए, ए स्क्वायर अपॉन टू टू ज़ा फोर। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, रूट थ्री अपॉन फोर ए स्क्वायर, ए मतलब साइड है, ठीक, साइड, साइड का स्क्वायर भी बोल सकते हो आप। चलिए लास्ट देख लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड। तो पेरीमीटर इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड मतलब देखिए आप ए बी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है, तो ए प्लस ए प्लस ए, ए प्लस ए प्लस ए इक्वल्स टू थ्री ए, ठीक हो जाएगा। वेयर ए इज़ द साइड ऑफ ट्रायंगल, ए क्या है, ट्रायंगल का साइड है, ठीक है। तो ये मैंने छोटा सा वीडियो बनाया था पार्ट नंबर फाइव, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।